जैन साथियों, आज हम लोग शिक्षण कौशल पढ़ने जा रहे हैं। शिक्षण कौशल अगर हम बात करें तो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जो शिक्षण कौशल के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये पूरी तरह से नोट्स पर आधारित है। जो एनसीईआरटी के नोट्स है उसी के आधार से तैयार किया गया है। एनसीईआरटी सार में आज का जो टॉपिक है वो हमारा और आपका काफी महत्वपूर्ण है। आइए इस पर हम लोग फोकस करते हैं और एक करके तथ्यों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो हम लोग का टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण कौशल के सीरीज में है। आप लोग कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। शिक्षण विधियां और कौशल क्या है एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे शिक्षण क्या है। शिक्षण की अगर हम बात करें तो शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे वे समाज के बेहतर जीवन यापन कर सके। जैसे आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपसे अगर मैं ये पूछूं आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपका एक उद्देश्य है सिलेक्शन लेना, सरकारी नौकरी करना, और सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं, तो आपका जवाब होगा अपने जीवन यापन करने के लिए। वैसे ही शिक्षण जो है वो बच्चों में, छात्रों में वांछित ज्ञान और कौशल सीखने अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। आगे हम बात करते हैं, शिक्षण एक सतत चलने वाली व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शिक्षण जो है एक सतत चलने वाली एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें, शिक्षक के पास ज्ञान होता है। जैसे कल को आप सरकारी शिक्षक बनेंगे, आपके पास ज्ञान होगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे ज्ञान है तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तभी तो आप पूरी सीरीज पढ़ पा रहे हैं। उस ज्ञान को किसी भी संप्रेषण तथा कौशलों के द्वारा छात्रों को अध्ययन कराया जाता है। यानी शिक्षक के पास जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को किसी भी संप्रेषण, मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हैं, आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कमेंट करके जवाब दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं सिर्फ वीडियो को शेयर करिए, आप शेयर कर रहे हैं, मतलब आप संप्रेषण, एक अच्छा संप्रेषण तब होता है जब दोनों तरफ से हो। कौशलों के द्वारा छात्रों को अध्ययन कराया जाता है। कौशल द्वारा क्या किया जाता है, छात्रों को अध्ययन करा जाता है, यह शिक्षण से ही हो पाता है। आगे हम बात करें कि संप्रेषण करने में शिक्षक को विषय वस्तु का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। प्रत्येक शिक्षक का कार्य शिक्षण कार्य भिन्न विभिन्न होता है। जैसे अगर हम बात करें पढ़ाने की बात करें तो सभी के पढ़ाने के तरीके अलग अलग होंगे। कुछ लोग नोट से पढ़ाते हैं, कुछ लोग लिख के बोर्ड पढ़ाते हैं, कुछ डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, कुछ इंटरेक्टिव पैनल पर पढ़ाते हैं, कुछ चौक डस्टर से पढ़ाते हैं, कुछ लेक्चर पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग नोट सीखने भरोसा करते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन संप्रेषण करने में शिक्षक को विषय वस्तु का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होती है। क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्योंकि नौकरी उतनी आसान नहीं, पद इतने आते हैं और फॉर्म इतने लोग भरते हैं, उनमें से आपको सिलेक्शन लेना है। उसी प्रकार एक शिक्षक को विषय वस्तु का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। और प्रत्येक शिक्षक का जो शिक्षण कार्य होता है वो अलग अलग होता है, सबके तरीके अलग अलग होता है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। अधिगम की दृष्टि से कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु को सरल करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जब अधिगम करा रहे हो, कक्षा कक्ष में जब पढ़ा रहे हो, उस समय प्रत्येक शिक्षक को चाहिए कि जो उसका विषय वस्तु है उसको सरल भाषा में समझाया जाए, बच्चों को सिखाया जाए। जैसे मेरा उद्देश्य क्या है, हम आपको नोट्स उपलब्ध कराते हैं, क्लास उपलब्ध कराते हैं, अपनी फ्री सेशन आपको देते हैं जब भी मेरे पास समय बचता है। क्यों, ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। हम सरल भाषा में बात करते हैं, जो नोट्स लेने भी दुर्गेश के हैं, जो पूरे एनसीईआरटी पैटर्न पे एकदम सरल भाषा में होते हैं, ताकि आप उसे पढ़ सकें, समझ सकें और सिलेक्शन लेकर माँ बाप का सपना भी पूरा कर सकें। और इसका उद्देश्य क्या है, ताकि वो विषय वस्तु को आसानी के साथ ग्रहण कर सके। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षण का अर्थ। तो अभी तक मेरा आपसे सवाल है कि आप शिक्षण को समझ गए, शिक्षण क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों एक शिक्षक को शिक्षण के बारे में जानना जरूरी है। अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। आगे देखते हैं हम शिक्षण का अर्थ क्या है। अब इस सवाल आपके मन में आया होगा, सर शिक्षण का अर्थ क्या होगा, तो शिक्षण का मूल मतलब होता है, मूल अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना। क्या करना, शिक्षा प्रदान करना, लोगों तक पहुंचाना। यह हमें पहले यह जान लेने कि शिक्षा क्या है, हम पहले यह जान लेते हैं कि आखिर शिक्षा क्या है,
शिक्षा प्राप्त करना तो हो गया शिक्षण का मूल मतलब, लेकिन शिक्षा क्या है ये भी जान लेते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्षा से हुई, जिसका अर्थ ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कार व्यवहार का निर्माण भी करते हैं। हम शिक्षा के ही माध्यम से हमारे संस्कार हमारे व्यवहार का भी निर्माण होता है। लोग कहते हैं ना, वो परिवार बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा संस्कारी है, वो परिवार बड़ा अनपढ़ है, उसके पास संस्कार ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा से ही संस्कार और व्यवहार का निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षण के अर्थ को दो प्रकार से समझ सकते हैं, मतलब शिक्षण का जो अर्थ है उसे हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। पहला, शिक्षण का जो व्यापक अर्थ है, शिक्षण का अर्थ बहुत ही व्यापक है, बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। आइए समझते हैं कैसे। माने व्यापक अर्थ में शिक्षण मनुष्य के जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। माने व्यापक अर्थ में शिक्षण मनुष्य के जीवन में सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शुरू में भी हमने पढ़ लिया था, इसके अंतर्गत हम जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। माने शिक्षण ही ऐसा है जिसके माध्यम से हम जीवन भर कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षण काल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन होता है वो शिक्षण काल है। इस सतत रूप से चलती रहती है, दिन प्रतिदिन चलती रहती है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको लगता है उसने क्या कमी कर दी, क्या उसने दुर्गे सर के नोट्स नहीं पढ़े, दुर्गे सर की क्लास नहीं पढ़ा, क्या उसने प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किया। लेकिन उसके बाद अगली बार फिर से मेहनत करता है और सिलेक्शन ले लेता है। कुछ पहली बार में पढ़ते हैं, मेहनत करते सिलेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद उसके ऊंचे पद पर उससे और अच्छी तैयारी करते हैं। मतलब हमने यह समझा कि जो जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा हम और व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षण काल है। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता है। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक अनौपचारिक माने सीखता भी है और एक अनजाने में भी सीख लेता है। जैसे आप देखते हैं बस में अगर खड़े हैं, सीट पर बैठे हैं, अचानक कोई महिला आ जाती है, आप खड़े हो जाते हैं। कितनी भीड़ भरी है, कोई प्रेग्नेंट महिला आती है, आपको देखकर खड़े हो जाते हैं। फिर देखते हैं, हाँ यार आपके पास आता है, सामने वाला तो खड़ा हो गया, मुझे भी खड़ा हो जाना चाहिए। तो जो आपके संस्कार है या आपने अनजाने में भी सीखा, तो कहीं ना कहीं ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति के जीवन भर सीखता रहता, हमेशा सीखता रहता। सिलेक्शन तो कल को आपका हो जाएगा, लेकिन सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है ना, ये निरंतर सतत रूप से डे बाय डे चलती रहेगी। आगे हम बात करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या। अगर हम बात करें कि शिक्षण का इस संकुचित अर्थ क्या होगा, तो संकुचित अर्थ में बालकों माने बच्चों को ज्ञान सूचना जानकारी परामर्श देना ही शिक्षण है। माने बच्चों तक आप ज्ञान सूचना जानकारी परामर्श जो पहुंचाते हैं, यही शिक्षण है। ये क्या आपका शिक्षण है। आगे देखते हैं, यह शिक्षण पूर्व नियोजित व नियंत्रित होता है। क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब तक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, यह पूरी तरह से पूर्व नियोजित होती है, नियंत्रित होती है। बालक को कुछ निश्चित वर्षों तक ही दिया जाता है, उसके केवल औपचारिक साधनों का प्रयोग होता है। माने शिक्षा जो होती है, जैसे जो औपचारिक शिक्षा होती है, जैसे आप इंटर तक पढ़े हैं तो इंटर तक ही है, उसके बाद तो आप अनौपचारिक रहेगा, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, तो आपको वहां तक आपने पढ़ा आपने सीखा, ये आपकी औपचारिक साधन का प्रयोग किया गया। जहां तक आप किसी अध्यापक से पढ़ते हैं, किसी अध्यापक से सीखते हैं, किसी शिक्षक से पढ़ते हैं, वो एक तरह से औपचारिक साधन हो गया। किसी कोच से माने जो जिससे आप सीखते हैं वो आपका औपचारिक हो गया। तो वहां पर हमने देखा कि बालक को कुछ निश्चित वर्ष तक ही दिया जाता है, जिसमें केवल औपचारिक साधनों का प्रयोग होता है। माने यह शिक्षण जो है ये पूर्ण नियोजित और नियंत्रित होती है, जो बच्चों को एक निश्चित समय अवधि तक ही दिया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग इसका निष्कर्ष क्या निकला। अब निकला यहां पे इसका निष्कर्ष क्या निकला। शिक्षण एक त्रियामी सामाजिक प्रक्रिया है, एक त्रियामी है सामाजिक प्रक्रिया है। अब आपके मन में आगे किसने कहा था इसको, आगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे।
शिक्षण एक त्रियामी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम माने टीचर, स्टूडेंट, सिलेबस, ये तीन ध्रुव होते हैं इसके। जी हाँ, यहां पर हो गया आपका टीचर हो गया, ये हो गया स्टूडेंट हो गया, ये आपका सिलेबस हो गया। ये तीन ध्रुवी प्रक्रिया है और इसी से ही शिक्षण कार्य हो पाता है। आगे हम बात करेंगे आपके साथ इसकी परिभाषा क्या है, शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली पद्धति है। शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली पद्धति है, ये बीओ स्मित ने कहा था। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है, ये गेज ने कहा था। दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देना तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। जहां जरूरत पड़े आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, ये नोट्स की स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, संपूर्ण क्लास आपको मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं, आप लोग टेलीग्राम पर सभी लोग दुर्गेश्वर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश्वर बिना स्पेस के, इलर्निंग विद दुर्गेश्वर वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लास की नोट्स, लिंक, वीडियो आपको मिलते रहेगी। शिक्षण क्या है संकुचित अर्थ में हम देखते हैं और व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में क्या है, इसका निश्चित उद्देश्य, निश्चित समय, निश्चित स्थान। निश्चित उद्देश्य माने आप पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन लेना है, इसलिए तो इतनी रात को समय पढ़ रहे हैं, रात में, दिन में, सुबह में, जब आपको मौका मिल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, सिलेक्शन लेना। समय क्या है, कभी भी कहीं भी। स्थान, कोई चद्दर में बैठ के पढ़ रहा हो, कोई रजाई में बैठ के पढ़ रहा हो, कोई एसी में बैठ के पढ़ रहा होगा, कोई घर में, कोई खाट पर, कोई घर बाहर, मतलब कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे होंगे, तो ये एक संकुचित अर्थ में होगी। उदाहरण के लिए देखा जाए विद्यालय शिक्षा, एक औपचारिक शिक्षा का उदाहरण, जैसे मैं बार बार कह रहा था, सवाल आता है कि औपचारिक शिक्षा क्या है, तो जो विद्यालय शिक्षा है ये औपचारिक शिक्षा किस श्रेणी में आता है, जहां पे कोई सिखाता है और आप सीखते हैं, आप पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं शिक्षा का जो शिक्षण है उसका व्यापक अर्थ में क्या है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम की तरह ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है, बालक जीवन भर सीखता रहता है, आप आज भी सीख रहे हैं, कल भी सीखेंगे और आगे भी सीखते रहेंगे। तो यह शिक्षण का संक्षिप्त अर्थ और व्यापक अर्थ दोनों मैंने आपको समझा दिया। क्या आपके मन में कोई सवाल है, क्या आपके मन में कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम बात करते हैं शिक्षण के प्रकार की। अगर हम शिक्षण के प्रकार की बात करें तो शिक्षण यहां पर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अगर मुख्यतः की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। इन तीनों प्रकार को पढ़ते हैं और आप जहां जरूरत पड़े इनकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एक है एक तंत्रात्मक शिक्षण। अभी आपके मन में आ रहा होगा एक तंत्रात्मक शिक्षण क्या होगा, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं जो वही सही है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वही सही, बाकी सब गलत है, ये एक तंत्रात्मक शिक्षण हो गया। इसे निरंकुश शिक्षण कहा जाता है, एक तानाशाही शिक्षण कहा जाता है, एक सत्तावादी शिक्षण कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण भी कहलाती है। ये शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित नहीं है, ये शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित। ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण कहलाती है। इस शिक्षण में शिक्षक का स्थान प्रधान होता है, माने टीचर ही सर्वोसर्वा है, टीचर ही सब कुछ है, वो जो कह रहा है वो सही है, बाकी सब गलत है। ये एक तंत्रात्मक शिक्षण है। इस शिक्षण में बच्चों को वरीयता नहीं दी जाती, अतः इस शिक्षण में सब कुछ शिक्षक ही होता है। तो आप कमेंट करके बताइए एकात्मक शिक्षण कितना हद तक सही है, एकात्मक शिक्षण कितना हद तक सही है, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए। अगला है लोकतंत्रात्मक शिक्षण। इसे हम बाल केंद्रित प्रजातंत्र शिक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को प्रधान माना गया है,
अब आपके मन में आएगा कि लोकतंत्रात्मक शिक्षण में जैसे बच्चे जो आप कक्षा कक्ष में जाएं और पूछा जाए कि आज बेटा हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे, कुछ बच्चे कहते हैं सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज हम नहीं पढ़ेंगे, तो आप क्या करें? ठीक है बेटा नहीं पढ़ना तो क्या करना है? बच्चे कहेंगे सर खेलना है, तो चलो बेटा खेलते हैं आज। यह हो गया बाल केंद्रित शिक्षा। इसमें बच्चे ही करते हैं। आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा होगा, एनसीएफ 2005 में हमने बताया कि यह पूरी तरह से बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, यह करे कि सीखने पर बल देता है, यह प्रधान माना जाता है। इसमें बच्चे जो होते वो सर्वो सर्व होते, वो जो कहते हैं वही सही है। आगे बात करते हैं, इस शिक्षण में शिक्षक सुविधा प्रदाता पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। इसमें टीचर की जो भूमिका होती है ना, एक पथ प्रदर्शक की होती है, ये केवल रास्ता दिखाता है, इस सुविधा प्रदाता होता है और सारा काम बच्चा करता है। इससे सीखा गया ज्ञान जीवन पर्यंत अस्थायी रहता है। आगे बात करते हैं, इस शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस शिक्षण में शिक्षक और छात्र एक दूसरे को प्रभावित करने की भी कोशिश करते हैं, प्रभावित करने का भी प्रयत्न करते हैं। किसमें? लोकतंत्रात्मक शिक्षण में। इसे बाल केंद्रित शिक्षण कहा जाता है, इसे प्रजातांत्रिक शिक्षण कहा जाता है। इसके कई नामों से आपके परीक्षाओं में सवाल आते हैं। एक होता है अहस्तक्षेपी शिक्षा, इसे अहस्तक्षेपी शिक्षण कहते हैं क्योंकि इसमें विद्यार्थी को जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, यह विद्यार्थियों पर पूरी तरह से निर्भर होता है, जिसे डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा जिसे कहते हैं। मन किया पढ़ा, नहीं मन किया नहीं पढ़ा, मन किया पूरा दिन पढ़ा, मन किया ठीक है परीक्षा से एक दिन पहले पढ़ेंगे, तो खासकर ऐसा दूरस्थ शिक्षा में होता है, यह अहस्तक्षेपी शिक्षण का उदाहरण है। आगे हम बात करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, शिक्षण के रूप या प्रकार क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इसके चरण की तरफ बढ़ेंगे, क्या क्या इसके चरण है। तो सबसे पहले हम लोगों को शिक्षण के रूप जानना है, शिक्षण के प्रकार जानना है। इसमें अगर हम बात करें तो एक होता है औपचारिक शिक्षण, इसके बारे में मैंने ऊपर बात किया। इस प्रकार के शिक्षण में स्थान समय विषय वस्तु सभी निश्चित होते हैं। जैसे विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा एक औपचारिक शिक्षण का उदाहरण है। आगे बात करते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, जो पढ़ाया जाएगा, जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, जो आपका टीचर पढ़ाएगा, जो आपके सर पढ़ाएंगे, आपकी जो मैम पढ़ाएंगी, वही है। तो ये औपचारिक शिक्षण हो गया। आगे हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण में स्थान समय आदि कोई निश्चित नहीं होता, जीवन पर्यंत चलने वाली ये शिक्षा, जैसे घर में रहकर सीखते हैं, समुदाय में रहकर सीखते हैं, मित्रों के साथ सीखते हैं, यात्रा में सीखते हैं, मैंने कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी समय सीखने की जो प्रक्रिया है, यह अनौपचारिक शिक्षण का उदाहरण है। तो उसके बाद तीसरे की तरफ चलते हैं कि निरोपचारी शिक्षण क्या होता है, एक नया टॉपिक आपको मिला गया, निरोपचारी क्या होता है। देखिए नोट्स की अगर आपकी चाहिए इलेनी बिन दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं, इलेनी बिन दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, यहां से सभी नोट्स के संबंधी जानकारी ले सकते हैं, घर बैठे सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर निरोपचारी शिक्षण की बात करें तो यह औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षण का मिश्रण है, जैसे इसमें डिस्टेंस लर्निंग है, सिलेबस भी है, पाठ्यक्रम भी है, कब पढ़ना है आपकी मर्जी, कितना पढ़ना है आपकी मर्जी, अपने काम के बाद अगर फुर्सत मिलती है तो पढ़ लीजिए, तो डिस्टेंस लर्निंग हो गया, ये दूरस्थ शिक्षा हो गया, ये निरौपचारिक शिक्षा, ये दोनों का जो है ये मिश्रण है। यहां तक आपको समझ में आ गया? कोई सवाल कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी जितनी हमारी। इसके बाद एक टॉपिक है शिक्षण के चर, तो एक अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के चर क्या है। आप वीडियो को शेयर करिएगा, ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेस जनपद जौनपुर से चलती हैं, मेरे द्वारा क्लास पूरी तरह से निःशुल्क आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित है, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार
एक एक करके पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, संपूर्ण सिलेबस हम लोग पढ़ लेंगे आपके साथ मिलकर ये शिक्षण कौशल की। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके जरूर पूछेगा। टेलीग्राम पर, हाँ, इसकी जो नोट्स है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, इलर्निंग विद दुर्गेश सर, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा, और ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा। इंस्टाग्राम पे भी इलर्निंग विद दुर्गेश। थैंक यू। मेरा सवाल आपसे है कि आपके नजर में शिक्षण क्या है, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि शिक्षण क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अप टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स, स्टेट, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367, 7355179012 या 7398883002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP।